दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को कहा कि राजधानी शहर में बाढ़ के बाद मलेरिया और डेंगू जैसी वेक्टर जनित बीमारी फैल सकती है, लेकिन आप सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, जब आपके स्थान पर पानी जमा हो जाता है तो डेंगू के मच्छरों के प्रजनन का खतरा होता है। जब आपके निर्माण स्थल, भंडारण सुविधाएं या नगर निगम से संबंधित वाहन भंडारण क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में पानी जमा हो तो सतर्क रहे, सुनिश्चित करें कि आप इसे ले रुके हुए पानी के जमाव को रोकने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओब्रॉय ने भी कहा कि बाढ़ के पानी की मौजूदगी के कारण डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मानसून के दौरान वेक्टर बोर्न डिजीज से निपटने की मजबूत तैयारी करनी ही केजरीवाल सरकार का लक्ष्य है। सभी विभाग अगर मिलकर कार्य करेंगे तो दिल्ली वासियों को डेंगू सहित अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज से बचाने में सफलता मिल सकती है।